हाय एवरीवन, इट्स मान हियर। और यार आज हम लोग फिर से GTA 5 खेलने जा रहे हैं। पिछले गेम ऐसा होता कि हम लोगों ने एक हाइस्ट की थी एक माफिया के लिए, जिसके अंदर हम लोगों ने एयरपोर्ट से कुछ गाड़ियाँ चुरानी थी, तो हम लोगों ने चुरा के उसके तक पहुँचा दी थी जहाँ पर उसने हमें कहा था। इस दफ़ा उसने कहा था कि हम आपको बाद में अपने घर पर बुलाएंगे, तो भी आज उसने हमें अपने घर पर बुलाया। उससे मिलते हैं, पूछते हैं क्या काम है जो उसे हमें बुलाया है। शायद हमने जो किया है उसका काम, उसके बदले में उससे हमें पैसा देना हो, जो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उससे मिलेंगे और फिर देखेंगे वो क्या करता है। उसका घर भी कहीं दूर नहीं है, पास ही है, तो भी उसके घर के लिए निकलते हैं। यार लास्ट वाली हाइस्ट तो इतनी मुश्किल नहीं थी, बात सही थी। बस लास्ट में जो पुलिस आई थी उससे थोड़ा पीछा छुड़ाना मुश्किल था, बाकी सब ठीक था। तो वो तो आसानी से हो गई थी, लेकिन गाड़ियाँ जिसके अंदर जो थी वो अच्छी खासी महंगी महंगी गाड़ियाँ थी। ये नहीं कि सस्ती सस्ती गाड़ी, बहुत अच्छी खासी महंगी गाड़ी थी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे ताल्लुकात है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में इसने हमें अभी तक बताया नहीं। और मेरे ख्याल से ये हमें सब कुछ आस्ता आस्ता बताएगा, क्योंकि जैसे इसने हमें पहले अपने घर पर नहीं बुलाया, आज घर पर बुलाया इतनी देर बाद, तो मुझे लगता है कि ये ऐसे ना हमें आस्ता आस्ता अपने सब जो होते हैं सीन वगैरह वो बता देगा, जो होता है कि मैं इतना, मेरे पास पैसा है, ये सब सीन है। ओ भाई 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 भाई, आगे तो यार चेक पॉइंट है पुलिस वालों का, तो भी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, जहाँ चेकिंग करवा लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो लास्ट वाली हाइस्ट की है ना, उससे कुछ हमें फ़र्क पड़ गया, तो मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से भी निकलना चाहिए इनको छोड़ कर। तो ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे, फिर शुरू की तरह दोबारा हम लोग जाएंगे, फिर छोड़ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत रिस्की काम है। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ से बस निकलना चाहिए अभी इनको मार के। तो भी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ऐसे करते हैं इनको लगा देता हूँ गोली, ताकि ये मेरा पीछा भी ना काट सके बिल्कुल भी। भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, काम खराब हो गया, काम खराब हो गया। मुझे ये था कि इनका पीछा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने और बुला लिया 2 स्टार की पुलिस। तो यार किसी तरह से हम लोग यहाँ से भागते हैं, और मेरी गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया ऊपर से। तो यार किसी तरह से भागते हैं हम लोग यहाँ से, पहले सबसे पहले गाड़ी चेंज करते हैं, कहीं साइड पर जाके गाड़ी चेंज करते हैं सबसे पहले हम लोग, क्योंकि पुलिस आ गई। पुलिस है, यही वाली मैं गाड़ी ले लेता हूँ फिलहाल, यही चलेगी, क्योंकि पुलिस 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 करीब आ गई। मेरे भागना पड़ेगा यहाँ से किसी तरह से। लागी 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 भाई, लागी 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 लग गया भाई गोली। निकलते निकलते मैं कह रहा हूँ यहाँ से ना हम लोग चलते हैं सिटी के बाहर, फिर शायद हमें ना पकड़े पुलिस वाले। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे हाईवे के ऊपर, जहाँ से हम लोग सिटी के बाहर जा सकते हैं, नहीं तो भाई इन्होंने हमें पकड़ लेना है और बहुत बुरा मारेंगे। फिर पहले भी उन्होंने टायर पंचर कर दिया, अभी पक्का पकड़ लेंगे हमें। और ऊपर से हाँ भी 2 स्टार, मुझे ऐसा 3 स्टार पुलिस होगी अभी, तो 2 स्टार ही अभी तक, अभी शुक्र है बड़ी नहीं। ओ भाई बड़ा गंदे वाला पकड़िया पुलिस, अच्छा खासा पकड़ा हुआ इन्होंने मुझे। यार किसी तरह से यहाँ से भागना पड़ेगा, जहाँ तो इनको किसी ने खबर बता दिया मैं हूँ, क्योंकि मैंने जो भी हस्ट किया सारी मास्क पहन के किया, मास्क वगैरह कोई हस्ट नहीं की। तो मैं यहाँ से देख के पता चलेगा कि क्या सीन है, ये किस टाइम तक आई, वही माफिया से हम लोग पूछेंगे। और उसका घर भी यहीं पर कहीं आसपास है, इस जहाँ पर इससे मैं आई। तो भाई आगे से भी गाड़ी, पीछे से भी गाड़ी, गाड़ी की अच्छी तरह से माता बाजी है, और बाहर बड़ा अच्छा रहेगा यार, नहीं तो ये तो पकड़ लेंगे। तो यार फाइनली पुलिस ने मेरा पीछा छोड़ दिया, लेकिन मेरी गाड़ी का ना अच्छा खासा बुरा हाल कर दिया, इसके इंजन में से आवाज़ आ रही है, लेकिन ये मेरी अपनी नहीं। अगर वो ना अपनी तो फिर पता कि पैसे वगैरह लगने, अच्छे खासी काम वगैरह करवाना पड़ना, तो फिर तो बंदा करता है कि बचा के रखता है, लेकिन ये भी अपनी ने तो रहने देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ हाईवे पर नहीं जाता, ये ना हो कि आगे भी इनका कोई चेक पॉइंट हो और ये फिर से मुझे पकड़ लें, तो इस वजह से हम लोग साइड साइड से होकर जाते हैं। तो यार अभी मैं वहाँ से वापस तो आ गया हूँ, और अभी मैं उस माफी जो उसके पास जाता हूँ कि भाई ये क्या सीन है, क्यों अटैक हुआ हमारे ऊपर, कोई तो था जिसने ये बता दिया सब कुछ, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है हम लोगों ने सारी हस्ट किया मास्क पहन के। दोबारा हम उससे जाकर बात करते हैं क्या सीन है, और फिर देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक ये फिर वो गैंग वालों के, जैसे मैंने पहले बताया गैंग वालों का काम हो सकता है किसी एक का, उससे पहले फ़ोन पर बात कर लेते हैं माफिया से, और फिर उसे मिलने के लिए चलते हैं। तो मेरी उस माफिया से बात तो होगी, वो कह रहा है कि उसने मुझे एक जगह बताया, कह रहा है वहाँ पर आ जाओ मिलने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। उसने अपना घर यहीं कहीं पास में बताया, जहाँ पर मैंने मार्क लगाया, तकरीबन 1.18 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग चलते हैं उनसे मिलते हैं फिर।
यार अगर ये वो गैंग वालों का काम हो तो फिर तो यार वो नहीं बचते, फिर ये पर्सनल मैटर आ जाएगा, तो फिर मसला थोड़ा ना हैवी हो जाएगा। ओ भाई 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 भाई, यहाँ पर कोई फाइट चल रही है पहले, तो देखते हैं क्या सीन है। भाई हम लोगों ने इसी तरफ जाना है। और भाई ये हमें गोलियां क्यों मार रहे हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले मुझे कवर लेने दो, फिर इनको मैं बताता हूँ जरा, क्योंकि हमारी तो कोई गलती नहीं, हम तो बस घुस रहे हैं यहाँ से। अभी देखते हैं लोग, ये ले वो गैंग जो अभी, वो कोई मसला नहीं मुझे, पर मेन मसला इस गैंग से। और ये देखो सारे मेरी तरफ आ गए, उनको छोड़ के बजाय उनको लड़ने के सारे मेरे साथ आग लड़ रहे हैं। एक मिनट मैं साइड पर कवर ले लूँ, नहीं तो इन्होंने तो ऐसे मुझे मार ही देना, सामने रहूँगा इनके तो फिर तो मैं भाई गया। तो इस साइड पर कैंसिल करता हूँ भाई, वही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैं अपोजिट साइड पर आकर लड़ना शुरू हो गया हूँ। ये मुझे पता नहीं कि कौन सी गैंग है, सिर्फ ये सारे मेरे पीछे हाथ पड़ के पड़ गए हैं हाथ धो के। और ये मुझे लगा दो गैंग में फाइट आपस में, लेकिन नहीं, ये सिर्फ मुझसे लड़े थे। मुझे बस लगा कि ये दो गैंग में फाइट है, ये सारे मेरे साथ लड़ने के लिए आ रहे थे। और अभी ये कुछ आया लोग, पता नहीं ये कौन है, ये मेरा साथ भी दे रहे हैं। अभी देखते हैं भाई क्या करते हैं हम लोग। और मुझे क्यों लग रहा है कि उस माँ के नहीं भेजे होंगे, जहाँ उससे पता हो उस वगैरह भी कहीं पर यहीं पर करीब है, तो शायद उससे पता चल गया हो। तो यार फिलहाल तो सारे ख़त्म हो गए, और मुझे पता नहीं ये कहाँ से है। मुझे पहले यही लगा कि ये भाई दो कोई गैंग है, उनके अंदर हो रही है फाइट, तो मैं गुजरा था आराम से। जैसे मेरे ऊपर गोली चली तो फिर मैं इनके ऊपर आया फायरिंग करने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि ये आपस में नहीं लड़ रहे, ये एक अपोजिट साइड पे खड़े थे और एक एक साइड पे, तो ये मुझे ही मार रहे थे। मुझे लगा कि ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उस माफिया को फ़ोन लगा लेता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ये क्या सीन। फिर फिलहाल तो मेरी उस माफिया से बात होगी, और उसने अपनी मिलने की लोकेशन भी चेंज कर दी, और वो कह रहा है यहाँ पर ना मिलो, जहाँ पर वो हमें पहले बुला रहा था उसने हमें कहीं और पर मिलने के लिए बुला लिया। और मैं आपको वो भी जगह दिखाता हूँ, वो जगह यहाँ पर है कहीं पर ना, जहाँ पर उस माफिया ने हमें मिलने के लिए बुलाया, तो हम लोग वहाँ पर चलते हैं और उससे मिलते हैं। और भाई पूछते हैं कि क्या सीन है, जो बार बार हमारे ऊपर अटैक वगैरह हो रहा है, क्या सीन है सारा, तो उसे पूछते हैं हम लोग वहाँ पर चल गए। तो यार अगर तो ये सब उस माफिया के बस में हो सका, तो वो ज़रूर रिवेंज लेगा इनसे, क्योंकि उसने कहा तो वो शायद ये सब कुछ करे भी। चलो देखते हैं उससे बात करके कि क्या वो कहता है। और वैसे भी मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि कौन सी गैंग है जिसके साथ हमारी अभी तक लड़ाई हो रही है। ये हम लोग मिलेंगे तो मेरे को पता चलेगा ये कौन सी गैंग है जिसके हम लोगों ने गाड़ियाँ चुराई और जिसके साथ अभी हमारे ऊपर अटैक हुआ, ये सारा कुछ। अभी फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं पता कौन सी गैंग है, क्योंकि लॉस सैंटोस में बहुत सी गैंग है, जैसे कि वेगोस होगी और ब्लास्ट गैंग होगी, ऐसा कुछ नाम है उनका, तो वो काफ़ी 10-11 गैंग है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं कि कौन सी गैंग है जिससे हमारा पंगा पड़ा है। यार अभी मैं उस जगह पे बस पहुंच गया हूँ, अभी जाते हैं उससे मिलते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या बात है। ये उसने चेंज भी इस वजह से जगह की, क्योंकि यहाँ पर अटैक हुआ इस वजह से उसने डर गया कि दोबारा इसके ऊपर अटैक ना हो जाए, इस वजह से इसने ये जगह भी चेंज कर ली यहाँ पर मीटिंग के लिए। और भाई आज तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, सही बात है। पहले जिस दिन ये मुझसे मिला था उस दिन इतनी सिक्योरिटी थी, और आज बड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, आज इसकी गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आई हैं, और जैसे कि ये मेरे ऊपर एम करके खड़े हैं सारे। मुझे आज खतरनाक बात लग रही है, कोई ना कोई। अभी हम लोग उससे मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या सीन है, पहले हमें बुलवाया था, फिर हमारे ऊपर दो दफ़ा अटैक हो गया, ये क्या हो रहा है सब कुछ। हम लोग मिलते हैं और पूछते हैं, और भाई कैसे एम करके बैठे हैं, जैसे मैं इनको मार दूंगा आगे, इनको जैसे पता कि मैंने पहले एक दफ़ा इनके साथ मीटिंग की है, इनके बॉस के साथ, इनको चाहिए था कि आराम से बात करें, लेकिन ये नहीं, ये बदतमीज़ी वाले लहजे में आ गए हैं थोड़े भाई। ये आज गाड़ियाँ भी ज़्यादा लेके आया, पहले से सिक्योरिटी इसकी बड़ी ज़्यादा है, एक क्लियर यहाँ पे इसने सिक्योरिटी बनाई है, एक आगे बनाई है, और अपने पास भी ज़रूर खड़े किए होंगे सिक्योरिटी वाले बहुत ज़्यादा। पर ये हमेशा हमें बुला रहा है और एक अलग जगह पे बुला रहा है, कभी ये हमें सेम जगह पे नहीं मिला, वैसे भी हमें दो दफ़ा मिला है और ये हमें सेम जगह पे नहीं मिला। और भाई इसने छत पर भी सिक्योरिटी वाले खड़े कर रखे हैं दो, जिन्होंने उन्होंने भी हमारे ऊपर ये एम किया सेम। तो इससे मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या हमारे ऊपर कोई शक है जिसकी वजह से हमारे ऊपर एम करके बैठा है, क्या सीन है।
इससे हम लोग ने बात की और इसने सब सिक्योरिटी वाले को कहा कि हमारे ऊपर सेम तो हटवा दिया और अभी से बात कर सकते हैं हम लोग आराम। तो डर ही लग रहा था कि यहाँ से भी गोली आ जाए और यहाँ से भी गोली आ जाए और हम लोग गए पहले गैंग के साथ और पुलिस के साथ पंगा पड़ा है। तो यार इससे मैंने बात तो कर लिया और ये कह रहा है कि भाई ये जो सब कुछ किया ये गैंग ने किया है, इसे इसने बता दिया। और जो पुलिस वाला कह रहा था इसने कहा भाई वो तुम खुद ही देखो, मैंने तुम्हें इस चीज़ के पैसे देने हैं, इस वजह से तुम ये सारा काम खुद ही देखो, तुम्हें पुलिस पकड़े ना पकड़े वो कुछ इसके हवाले नहीं है, वो कुछ ये सोचेगा नहीं, इसके इसके ज़िम्मे नहीं है वो सब कुछ, तो वो हमें खुद ही देना पड़ेगा, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा कि भाई क्या करना है, पुलिस वालों से कैसे बच रहे हैं। और हाँ इसका नाम मैंने आपको पहले भी नहीं बताया और मुझे भी नहीं था पता, और इसका नाम है मैक्रोव। मैं पहले से अमेरिकन बॉस ऐसे कह रहा था लेकिन इसका नाम है मैक्रोव। तो अब भी देखते हैं क्या सीन है, हमें खुद ही पुलिस वालों से बात वगैरह करके किसी तरह बचना पड़ेगा। जब फ्रैंकलिन से बात करेंगे कि अगर कोई है ऐसा पुलिस वाला जो हमारी जान छुड़वा सके या कोई वकील वगैरह तो उससे हमें मिलवाए ताकि हम लोग बचे रहें। और इसके अलावा गैंग की जहाँ तक बात है वो गैंग का सारा इसके ज़िम्मे ये दिखेगा कि गैंग क्यों अटैक कर रही है। और इसने मुझे गैंग का कह रहा है मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा क्या सीन है, कौन सी गैंग है जिससे हम लोगों ने गाड़ियाँ की हैं चोरी की हैं वो सब कुछ बता देगा। तो अभी हम लोग चलते हैं और ये कह रहा था मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हें दे दूंगा या जो तुम्हारी गाड़ी होगी या जो भी तुम्हें दूंगा उस हाइस्ट में से वो मैं तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा खुद ब खुद ही। तो अभी देखते हैं ये हमारे घर पर क्या पहुंचाता है, क्या ऐसा हमें गिफ्ट देता है, क्या सीन है। गिफ्ट भी नहीं, गिफ्ट क्यों, अगर गिफ्ट तब होता जब हम लोग ये हमें फ्री में देता, गिफ्ट तब होता जब ये हमें फ्री में देता, लेकिन अभी हम लोगों ने इसका काम किया है, इसके लिए गाड़ियाँ चुड़ाई हैं 3-4 और अब 2 दफ़ा हम लोग अभी आज खतरे में पड़े हैं। तो ये गिफ्ट नहीं है, हमें हमारी पे मिल रही है एक तरह से। तो अभी देखते हैं कि हमें क्या सीन होता है, क्या हमें देता है एज अ रिवार्ड। तो यार अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, फ्रैंकलिन को मिलते हैं और शायद उसको भी पता हो इन गैंग वगैरह के बारे में क्योंकि वो भी एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर गैंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो चलते हैं क्योंकि वो खुद भी एक ग्रीन गैंग का मेंबर है, तो उससे पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन सी गैंग हो सकती है। और एक होता है कि गैंग की पर्सनल यूनिफॉर्म होती है लेकिन ये जो आज उन्होंने अटैक किया था ये कोई पर्सनल यूनिफॉर्म वाले नहीं थे, ये पता नहीं मिक्स का, तो ये अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते थे जहाँ पता नहीं क्या सीन है अभी कि उन्होंने कपड़े घर वाले पहन के मेरे ऊपर अटैक किया है, या फिर ये कोई और सीन है पता नहीं कि उन्होंने कपड़े पहन के दूसरे तो फिर अटैक किया, गैंग वाले कपड़े पहन के नहीं किया, तो वो पूछेंगे उससे तो पता चलेगा। तो यार अभी मैं फ्रैंकलिन के घर तो आ चुका हूँ और वो मेरे ख्याल से घर नीचे है क्योंकि ऊपर मुझे कहीं पर नजर नहीं आया, उससे मिलते हैं हम लोग नीचे जाके और पूछते हैं अगर इसे कोई पता हो गैंग वगैरह के बारे में। तो भैया फिलहाल तो अपने कमरे में भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, बाहर होगा ज़रूर। यार अभी मैं वो घर पर नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं उसे कॉल करके पूछ लेते हैं कि भाई वो है कहाँ पर। तो यार अभी मेरी फ्रेंड ने इनसे बात होगी और वो कह रहा था कि भाई मैं अभी घर पर नहीं हूँ, पता नहीं कहीं पर बाहर ही था। तो वो ये भी कह रहा था कि भाई ऐसी गैंग हैं बड़ी हैं जो कपड़े पहन के दूसरे, तो वो कह रहा था कि भाई ऐसी गैंग है ज़रूर हैं जो कि ऐसे करते हैं अपने मिशन वगैरह करते हैं किसी को पता ना चले, लेकिन इनको पता होता है क्योंकि ये वैसे भी गैंग में काम करते हैं तो इनको सब कुछ पता होता है उन गैंग वगैरह के बारे में। तो ये कह रहा था मैं पता करके बता देता हूँ कि वो कौन सी गैंग है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया, मतलब कि माइकल के ऊपर अटैक किया। इसके अलावा उसने मुझे एक और बात बताई जो मैंने पहले सोची भी नहीं, वो कह रहा था कि ऐसे चोरी कर करके बार बार पुलिस का खतरा रहता है हमारे पीछे, तो ऐसा करते हैं कोई बिजनेस शुरू करें जिससे हमें ख़तरा भी ना हो कोई और हम लोग आराम से अपना चलता रहे, कोई बिजनेस वगैरह शुरू करते हैं जिससे हमें कोई ख़तरा भी ना हो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, उसके लिए भी हमें पहले ऐसी बात है कि पैसे चाहिए होंगे, ये नहीं कि वैसे शुरू हो जाएगा, अच्छे खासे पैसे चाहिए होंगे कोई ना कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए। तो अभी देखते हैं कि भाई हम लोग कौन सा बिज़नेस शुरू करते हैं। तो यार आज के लिए बस इतनी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी ये स्टोरी चली जाएगी इतनी आसानी से नहीं रुकेगी, और यार वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।